हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? तो आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं, देखिए बच्चे लोग का जो हॉर्लिक्स है मैं वो डब्बे में रख रही हूँ, और ये हमारा राशन जो लाती हूँ मार्केट से, तो उसको मैं इस तरह से करके रखती हूँ। और हमेशा मेरा जो काम होता है फ्रेंड्स, इसी तरह से होता है। तो मैं बाकी का जो बचा हुआ है तो उसको मैं पिन मार के रखूँगी। इस तरह से देख सकते हैं आप सभी फ्रेंड्स। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है फ्रेंड्स कि मैं जो भी काम करती हूँ तो आप सभी के साथ भी शेयर करूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है आप सभी के साथ शेयर करना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा पतंजलि का जो नमक, हम पतंजलि का ही ज़्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि मार्केट जब बंद रहते हैं तो नहीं मिलते, तो फिर हमें इधर का नमक यूज़ करना पड़ता है। नहीं तो ज़्यादातर मैं पतंजलि का ही नमक यूज करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम लाद के रखते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी हम सब रह रहे हैं, तो महाराष्ट्र में कभी भी लॉकडाउन हो जाता है, तो सभी कुछ अरेंज करके रखना पड़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये देखिए कांदा मसाला है, और कांदा मसाला भी हर एक प्रकार का भी आ रहे हैं, क्योंकि जो पहले हम खाते थे वो नहीं मिल रहा है, जो मिलता है वही लाना पड़ता है। और ये नारियल का तेल, तो इस तरह से मैं रखती हूँ। और ये जो बाकी का जो बचे हुए सामान होते हैं फ्रेंड्स, तो वो मैं इस तरह से एक बकेट में रखती हूँ, और इस ढक्कन है इसमें, तो इस वजह से इसमें रख के मैं बंद कर देती हूँ, तो ख़राब नहीं होता है और अच्छे से सेफ्टी भी रहता है। और बच्चे लोग के लिए जो महंगी लगता है हमें, तो वो ला के रखना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए हमें इसको कर लिए है। फिर यहाँ पे जो मैं हरे सब्जियाँ लाई है, तो वो भी यहाँ पे आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा बास्केट है भाजी रखने का, उसको मैं साफ कर लेती हूँ। और इस तरह से हमें रखना है सब्जियाँ को, तो कम से कम तो ये 4 से 5 दिन तक चलता है मुझे, क्योंकि इस तरह से हम रख देते हैं तो मेरे पास फ्रिज नहीं है फ्रेंड्स, तो इस वजह से भी मैं थोड़ी कम ही हरी सब्जियाँ लाती हूँ। और अदरक लहसुन तो हमेशा लगता ही है, तो इस तरह से हमारा जो सब्जियाँ होता है इस तरह से रहता है हफ्ते का। तो पूरा देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, देखिए सभी कुछ हो जाता है फ्रेंड्स। तो आइए आप सभी को मैं करेला का और भिंडी और वांगी का मैं भरवा जो बनाऊंगी, तो आप सभी के साथ थोड़ा बहुत शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो और मैं रेसर जो भी मैं काम करती हूँ, चाहे रेसिपी का वीडियो होता है या सिलाई का होता है या पार्लर का होता है, मैं सभी कुछ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे ये सब मैं करती रहती हूँ फ्रेंड्स, तो आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप सभी सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे देखिए, जो हम जो मसाला बनाएंगे फ्रेंड्स भरवा बनाने के लिए, तो इस तरह से 4 महीने प्याज लिए है, लहसुन का 1 कली लिए है, अदरक, सूखी मिर्च था मेरे पास तो सूखी मिर्च भी ली हूँ, और यहाँ पे काली मिर्च और जीरा मैं एक ही साथ इसमें ऐड करी हूँ मसाला बनाने के लिए। तो इस तरह से मैं इसका जो पेस्ट बनाऊँगी, और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमने कट कर लिए है, आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स।
तो सभी को मैं इसी तरह से सभी बैंगन को कट करी हूँ, और भिंडी को भी मैं एक ही कट लगाऊंगी। और करेले को मैं क्या किए हैं फ्रेंड्स, उबालने के लिए रख दिए हैं। तो जब तक बॉयल होता है करेला तब तक मैं ये सब करके रखी हूँ। फिर हमें बैंगन को भी थोड़ी सी बॉयल करना है। यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगाने के लिए फ़ौरन मैं तैयार करी हूँ, जो पेस्ट बनाई हूँ फ्रेंड्स, तो वो पेस्ट थोड़ी सी मैं दाल में भी यूज करी हूँ, इस तरह से देखिए। फिर यहाँ पे मैं अभी जो पेस्ट जो बनाई हूँ तो उसको मैं फ्राई करूँगी, तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स। और फिर जो हमारा बेसिक मसाले होते हैं घर का, धनिया, अदरक, हल्दी और सॉरी अदरक तो हम पेस्ट में डाले थे, कंदे मसाला, जीरा पाउडर, ये सब मैं अभी डाली हूँ। और फिर यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई को चेंज करी हूँ क्योंकि इस तरह से। और यहाँ पे देखिए करेले को, बैंगन को और सभी को मैंने मसाला भर लिए थे, और इसको इस तरह से ढक के ही पका रही हूँ फ्रेंड्स। और सभी को इस तरह से पलट के फ्राई करना है, ढक के ही रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ढक के आप पकाएंगे तो अच्छी तरह से पकते हैं। और मीडियम फ्लेम पे ही पकाइए, ज़्यादा गैस जो है तेज मत कीजिए, नहीं तो हमारा जो भरवा सब्जियां है वो जल सकते हैं। आप चारों तरफ अच्छे से पकना चाहिए, फ्राई होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सभी भिंडी को भी एक ही साथ एडजस्ट कर लिए हैं फ्रेंड्स, इस तरह से। और देखिए हमारा जो भिंडी है वो भी हमारा फ्राई हो गया है एक बाजू से। भिंडी को भी हम इस तरह से ही पलटेंगे, और पलट के हमें इस तरह से करना है सभी को फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा सभी जो है हो गया है। और फ्रेंड्स ये देखिए सभी को मैं एक दूसरे के साथ ये करके देखती भी हूँ कि सभी पके हैं कि नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए सभी पक गए थे, तो मैं इस तरह से निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में, ये देखिए। और यहाँ पे हमारा जो है आज का जो लंच है फ्रेंड्स, ये सब है, रोटी, राइस, दाल, भिंडी का भरवा, करेला का भरवा और बैंगन का भरवा, इस तरह से हमारा आज का लंच है फ्रेंड्स। तो आइए आप सभी